ये सौरव नगर खुशबूदार हो रहा है इस वक्त, जहाँ हो जिक्र नबी वह नगर महकता है, अगर सफर में रहो तो सफर महकता है। और अजीब बात है मौला, तेरी खुदा की कसम, तेरे ख्याल की खुशबू से घर महकता है। मोहतरम हजरात, बड़ी अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। इधर के लोग तो पूरी जिंदगी के साथ हैं, इधर थोड़ा सा कुछ मामला कमजोर पड़ रहा है। यहाँ सौरव के लोग नहीं है क्या, कहीं बाहर से आए हैं? चलिए इधर से भी होना चाहिए, दोनों तरफ से रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, अच्छा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। आपका प्रोग्राम है, इसे कामयाब करना आपकी जिम्मेदारी है। बड़े से बड़े शायर को बुला लीजिए, बड़े से बड़े खतीब को बुला लीजिए, अगर सामईन साथ नहीं देते तो वो प्रोग्राम कामयाब नहीं होता। सामईन पढ़वाते हैं, सामईन बुलवाते हैं, सामईन जिंदा है तो प्रोग्राम जिंदा हो जाता है। आइए, मैं कलकत्ता से तशरीफ रहे मेहमान शायर जनाबे शम्स कलकत्तवी को आपकी खूबसूरत और पाकीज़ा सन्नतों के हवाले करने जा रहा हूँ। कह दीजिए सुभान अल्लाह। भाई साहब बैठ जाइए ना, टहल रहे हैं, अखबार वाले हैं क्या, पेपर वाले हैं? होता है, अखबार वाले भी आते हैं, मीडिया वाले भी आते हैं। हम लोग तो जब आते हैं मीडिया वाले तो हम लोग कहते ही हैं कि तोप निकालो ना तो तलवार निकालो, अगर जुल्म से लड़ना हो तो अखबार निकालो। मीडिया वाले आते हैं प्रोग्राम में, बहरहाल बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, हमारे इम्तियाज भाई जिंदगी के साथ नवाज भी रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, आ रहे हैं जा रहे हैं। मेरी नजरों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी नजरों में समाया भी बहुत लगता है, हाँ यही शख्स पराया भी बहुत लगता है, और इनसे मिलने की तमन्ना तो बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। दो चार बार इम्तियाज भाई आ जाएंगे तो एक तरफ का किराया तो निकल ही जाएगा। माशाल्लाह देखिए नवाज रहे हैं, लेकिन लग रहा महफिल में 10 से बड़ा वाला नहीं है क्या? अगर मेरी सरकार आ जाएगी तो पहले 10 वाला बंद करेगी। बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। वैसे रिकॉर्ड टूटेगा, रिकॉर्ड तो बनता ही है तोड़ने के लिए। जब पाकिस्तान के शाहिद खान अफरीदी ने 37 गेंद पर सेंचुरी मारी थी 37 बॉल पर, तो दुनिया ने कहा था कि अब ये तो रिकॉर्ड टूटेगा नहीं, लेकिन साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स ने 32 गेंद पर सेंचुरी मार के उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो रिकॉर्ड तो बनता ही टूटने के लिए, ये भी रिकॉर्ड हमको लगता है इम्तियाज भाई से ही टूटेगा, 10 वाला रिकॉर्ड भी नहीं से टूटेगा। बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। आइए हाथ उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह, और जिंदगी के साथ जनाबे शम्स कलकत्तवी को समाप्त कीजिए। शम्स कलकत्तवी के लिए मैं चंद मिसरे आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। एक बार सुभान अल्लाह फिर कह दीजिए, ताकि सुभान अल्लाह कहने का सवाब मिल जाए। एक बार समझ लीजिए, सुभान अल्लाह के सीन से अल्लाह तबारक व तआला के हे तक उस नाम मुबारक में 9 हर्फ है। उलमाए किराम बैठे आप पूछ ले, एक हर्फ के बदले में अल्लाह ताला 10 नेकियां अता करता है। 9 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 90 नेकी बनती है। कल मैदान हश्र में जब बाप बेटे का नहीं होगा, भाई भाई का नहीं होगा, माँ बेटी की नहीं होगी, एक बार सौरों की सरजमीन पे कहा हुआ सुभान अल्लाह आपकी बख्शिश का जरिया हो जाएगा, निजात का सबब हो जाएगा। इसलिए सुभान अल्लाह जरूर कहिए, इबादत में शामिल है। मैं जनाबे शम्स कलकत्तवी को आपकी समातों के हवाले मिसरों से करने जा रहा हूँ कि अल्लाह की जमीन को कागज बनाइए, अल्लाह की जमीन को कागज बनाइए, लेकर समंदरों की स्याही भी आइए, लाखों दरख्तों का कलम फिर बनाइए, निधक नबी की हूरों मलक से लिखाइए, कागज कलम स्याही का जौहर दिखाएगा, फिर भी नबी की नात कोई लिख न पाए। Thank you.